Hello students, so the part of peninsular plateau is left for explanation. Now just see and listen very properly. These are the regions where the plateau region you will find. Okay, what is peninsular plateau? Peninsular plateau is a tableland. It is composed of oldest rocks because it was formed from drifted part of Gondwana land. Broad and shallow valleys and rounded hills are characteristic feature of this plateau. Means hills are there, sab kuch hoga, but there the temperature is not as cold as the mountains. Clear? Now see the peninsular plateau and the things which are underlined, you have to underline as you are seeing this. Okay, peninsular plateau is located to the south of northern plains. Jo northern plains wala area hai uske south mein. This is the ये नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है, इसके साउथ में ये यहाँ पे आपको पेनिनसुला प्लेट्यू मिलेंगे. ये सारा रीजन पेनिनसुला प्लेट्यू क्यों? क्योंकि पेनिनसुला के शेप में, इसलिए इसे पेनिनसुला प्लेट्यू कहते हैं. क्लियर? एंड इन हाउ मेनी, इफ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया यू विल सी दैट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स. ये थ्री साइड्स में वाटर से सराउंडेड है, इसीलिए पेनिनसुला है ये. द प्लेट्यू रीजन स्ट्रेचेज फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया टू द सदर्न मोस्ट टिप. यहाँ से स्ट्रेच, सेंट्रल पार्ट से स्ट्रेच होके पूरा सदर्न टिप तक स्ट्रेच है पेनिनसुला. एंड इट इज वेरी ब्रॉड, सो इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स बाय द रिवर नर्मदा. वेयर इज द रिवर नर्मदा? सी दिस रिवर इज नर्मदा, जहाँ पे राउंड बताएं. इससे ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इन सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यू. इन सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू. नाउ व्हाट आर सेंट्रल हाईलैंड्स? द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ टू, इसमें टू पार्ट्स है, मालवा एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू. यहाँ पे आपको फाइन ब्लैक सॉइल मिलेगी, जहाँ पे कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से ग्रो होती हैं और ये एरिया बहुत ही मिनरल्स में रिच है. नेक्स्ट वन इज़ द डेक्कन प्लेट्यू. जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है वो मिनरल्स में ज़्यादा रिच है, वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते हैं. मोस्ट ऑफ द कोल इन इंडिया केम फ्रॉम द कोलार माइंस. कोलार गोल्ड माइंस है कर्नाटका में, वहाँ से मेनली आता था पहले. द अदर स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सारे डेक्कन प्लेट्यू, ये सारे प्लेट्यू वाले स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. और यहाँ पे हाइस्ट वाटरफॉल इंडिया का कहाँ पे है? दैट इज लोकेटेड इन कर्नाटका. जॉक फॉल. एवरीथिंग कैन कम इन वन वर्ड फॉर्म, सो जस्ट लिसन वेरी प्रॉपरली. लाइफ ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मेन सिटीज़ यू नो, मुंबई, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की हो गई, झारखंड की रांची, जमशेद, बोकारो, ये सारे मेनली झारखंड में आपको स्टील प्लांट्स मिलेंगे. नाउ सी व्हाट दे ग्रो. कॉटन, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंड नट, मैंगोज, ऑरेंजेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रो होती हैं अच्छे से. सम फेमस मैंगोज यू हैव लिसन. ऑरेंजेस नागपुर के फेमस होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन महाराष्ट्र ओनली. दे मेक फिल्म, वहाँ पे क्या क्या बनता है? फिल्म, टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज बहुत ही, क्योंकि कॉटन ग्रो होता है अच्छे से. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी वहाँ पे, उसकी भी इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ है वहाँ पे. दे सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी, मेन फेस्टिवल महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी. ऑल अदर फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड बट दैट इज़ द मेन. आंध्र प्रदेश में क्या? राइस, टोबैको, शुगर केन, ग्राउंड नट मेनली ग्रो होता है. बी थ्री वर्क मीन्स जो द वर्क डन ऑन क्लोथ एंड कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, इस सारी इंडस्ट्री मिलेंगी आपको. दशहरा, ईद इज़ द मेन फेस्टिवल. झारखंड में राइस, मेज, पल्सेस ग्रो होते हैं मेनली. इतना वो एरिया ग्रोथ के लिए, ग्रो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए अच्छा नहीं है, बट स्टील, माइनिंग, पावर, ये सारी चीज़ें इस एरिया में बहुत ज़्यादा मिलती है. सो विच इज़ द मेन फेस्टिवल्स? होली एंड दिवाली. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू. इम्पॉर्टेंस क्या है पेनिनसुला प्लेट्यू के? ऑफकोर्स ये एक एरिया है जहाँ से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. द प्लेट्यू एरिया इज़ रिच इन मिनरल्स. इट इज़ लेड टू मैनी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, मीन्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज. बहुत सारे, जब इतनी सारी चीज़ें मिन आपको रॉ मटेरियल मिलेगा तो वहीं पे हम इंडस्ट्री सेट करते हैं. डैम्स बहुत हैं रिवर्स पे. डैम्स बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ दिस रीजन प्रोवाइड वाटर फॉर क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द पावर ऑफ वाटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन. सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स सच एज कॉटन, वाइल्ड सीड्स ग्रो वेल इन प्लेट्यू रीजन. कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होती है और कुछ वाइल्ड सीड्स, वाइल्ड सीड्स भी जिससे हम
में वाइल मिलता है तो ओके सो दिस इज क्लियर ना चेक द चैप्टर चेकलिस्ट वेरी प्रॉपरली इफ एनी कन्फ्यूजन इन देयर देन आस्क थैंक यू